9 फरवरी की शाम को सुपेला घड़ी चौक पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष सुंदर लाल साहू, जिलाध्यक्ष महेश वर्मा के नेतृत्व में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी और ओबीसी व साहू समाज का अपमान करने के विरोध में राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने और ओबीसी व साहू समाज का अपमान करने की बात को लेकर पूरे भाजपाई और विशेष तौर पर साहू समाज काफी आक्रोशित नजर आ रहा है। आक्रोशित लोगों ने, समाज के पदाधिकारियों ने और सदस्य गणों ने सुपेला घड़ी चौक पर इकट्ठा होकर पहले तो राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया, साथ ही राहुल गांधी का पुतला दहन किया। छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन नहीं करना चाहते, अच्छा कुछ वातावरण में छत्तीसगढ़ चले, देश के वातावरण अच्छा रहे, ये चाह रहे थे। लेकिन राहुल गांधी द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जिस प्रकार से टिप्पणी की गई, उनकी जाति के बारे में कहा गया, हमारे पिछड़े वर्ग के बारे में कहा गया, हमारे पिछड़ों को गाली दिया गया राहुल गांधी के द्वारा, इसके कारण हम सबको मजबूरन रोड में उतरना पड़ा, उनका दहन करना पड़ा। चंद भाजपाई नहीं, सभी भाजपाई आ गए हैं और सभी लोग आ रहे हैं। अभी ये शुरुआत है, आप अभी देखिए, ये अभी तो छोटा सा कार्यक्रम, 2 घंटा पहले हमको जानकारी लगी कि ऐसे ऐसी घटना हुई है और इसको हमको करना है, तो हम सब ने तत्काल निर्णय लिया और बहुत लोग आ गए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। और आप लोगों को भी धन्यवाद, ऐसे मन बुद्धि लोगों की बातों को सामने आने से रोके भी। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य ब्रिजेश बिजपुरिया, वीरेंद्र साहू, महिला मोर्चा अध्यक्ष स्वीटी कौशिक, जिला उपाध्यक्ष शिव सागर मिश्रा, जिला महामंत्री योगेंद्र सिंह, वैशाली नगर मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला, कैंप मंडल अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित 40 से 50 की संख्या में लोग शामिल रहे। ACN न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।